कुछ लोग एक गाड़ी पर अटैक कर देते हैं और गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, लेकिन एक एजेंट गाड़ी से बाहर आकर उन लोगों पर फायरिंग करके उन्हें मारने लगता है। साथ साथ एक लड़की भी उन लोगों पर फायरिंग कर रही होती है। अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले देखते हैं जहां 1967 में शुरू हुए एक एजेंट प्रोग्राम के बारे में हमें बताया जाता है, जिसे एक डॉक्टर लिटवेंको ने शुरू किया था, जिसका मकसद ऐसे खतरनाक एजेंट्स बनाना था जिन्हें ना तो किसी का डर हो और ना ही कोई पेन हो, ना कोई पछतावा हो। और उनका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन जैसे इस बारे में गवर्नमेंट को पता चल गया तो फौरन ही इस प्रोग्राम को बंद करवा दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद फिर से कुछ लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू करने की कोशिश की, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीनियर डॉक्टर ने ली, लेकिन वो लोग इस प्रोग्राम में कामयाब नहीं हो पाए। तो इसीलिए उस सीनियर डॉक्टर ने डॉक्टर लिटवेंको को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें लिटवेंको का कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें लिटवेंको की बेटी केटिया के बारे में पता चलता है। अब उस सीनियर डॉक्टर को पूरा यकीन था कि वो डॉक्टर लिटवेंको की बेटी केटिया के जरिए उन तक जरूर पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो लोग केटिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ये कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां वो सीनियर डॉक्टर अभी भी केटिया को ढूंढने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से लैब में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। तो वहां पर मौजूद जितने भी गार्ड्स थे वो सीनियर डॉक्टर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब काफी मुश्किलों के बाद वो लोग अपनी दूसरी लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि यहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया गया है। तब पीछे मुड़कर देखने पर उसे वहां पर एजेंट 47 दिखाई देता है, और यहां पर हम जान पाते हैं कि एजेंट 47 ने ही उसके लैब के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया था और उसी ने ही उस डॉक्टर को यहां तक आने पर मजबूर कर दिया। अब एजेंट 47 की बातों से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि वो नहीं चाहता था कि एजेंट्स को बनाने वाला प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि एजेंट 47 जानता था कि ये डॉक्टर काफी टाइम से डॉक्टर लिटवेंको की बेटी केटिया को ढूंढ रहा है। इसीलिए वो सीनियर डॉक्टर से केटिया की लोकेशन के बारे में पूछता है। लोकेशन पता चल जाने के बाद जो 47 वहां से जा रहा था, तब वो डॉक्टर कबर्ड में से गन लेकर 47 पर अटैक करने का सोचता है, लेकिन कबर्ड का दरवाजा खुलते ही उसमें लगा हुआ बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो सीनियर डॉक्टर मारा जाता है। असल में 47 ने पहले ही उसमें बॉम्ब लगा दिया था। डॉक्टर के मरने के बाद सारे गार्ड्स उस रूम में जाने लगते हैं, उस रूम में जहां पर 47 था, लेकिन 47 बड़ी ही आसानी से उन सबको मारकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को देखते हैं, और यही वो इंसान है जो अपने फायदे के लिए एजेंट्स बनाने वाले प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करना चाहता है। और जब इस हेड को डॉक्टर के मरने के बारे में पता चलता है, तो वो भी अपने आदमियों को केटिया के पीछे लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम बर्लिन जर्मनी का सीन देखते हैं, जहां पर हमें केटिया दिखाई जाती है और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर एक आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। यहां पर केटिया को भी पता नहीं होता कि जिस आदमी को वो ढूंढ रही है उसका उसे क्या ताल्लुक है। इवन वो तो उसका नाम तक नहीं जानती थी, लेकिन इसके बावजूद भी केटिया की यादें उसे उस आदमी को ढूंढने पर फोर्स कर रही थी। इसके बाद केटिया जब अपने रूम की तरफ जाने लगती है, तब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रहा था और उस पर नजर भी रख रहा था। तब एक स्ट्रीट से गुजरते हुए केटिया को पता चलता है कि घर में एक आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है बुरी तरह, इसीलिए केटिया पास में ही मौजूद पुलिस बेल बजा कर उस लड़की को वहां से भागने में हेल्प करती है। अब यहां से हमें ये अंदाजा हो गया कि केटिया की सेंसेस बाकी इंसानों से काफी तेज है। उधर 47 को हम बर्लिन के रेलवे स्टेशन से निकलता हुआ देखते हैं। फिर होटल के एक रूम में पहुंचने के बाद 47 केटिया को ढूंढना शुरू कर देता है। फिर कुछ ही देर के बाद वो केटिया की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है, और तभी 47 की बॉस उसे कॉन्टेक्ट करती है। यहाँ उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि 47 की बॉस ने उसे दो लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन वो दो लोग कौन थे इस बारे में फिलहाल हमें भी पता नहीं चल पाता। अब लोकेशन ट्रेस करने के बाद 47 फौरन केटिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ केटिया को पहले ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि कोई इंसान उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आ रहा है, इसीलिए वो अपने पास मौजूद सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वहाँ मौजूद एक मैप को देखकर 47 को अंदाजा हो जाता है कि केटिया आखिर किस तरफ गई होगी। केटिया अब उस होटल से निकलकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, और यहाँ आकर वो उसी आदमी से मिलती है जो उसका पीछा कर रहा था, यानी जो उस पर नजर रख रहा था। वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है। यहाँ पर जॉन केटिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि जो आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वो तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी ये सुनकर केटिया उसे पूछती है कि आखिर कोई मुझे क्यों मारना चाहेगा, कि तभी 47 भी यहाँ पर पहुंच जाता है। तब जॉन उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच फायरिंग होने लगती है। जॉन केटिया को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद भी 47 इनका पीछा करना बंद नहीं करता।
करता। इसीलिए जॉन पास की ही एक एम्बेसी के सामने जाकर हवा में फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी इन्हें अरेस्ट करके अंदर ले जाती है। तब ये देखकर 47 वहाँ से निकल जाता है। अंदर मौजूद ऑफिसर कैटिया से सवाल जवाब करने लगते हैं। तब कैटिया उनसे कहती है कि कोई मुझे मारना चाहता है और जॉन सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद कैटिया को 47 की विजन्स आने लगते हैं और उसे पता चल जाता है कि 47 जल्दी एम्बेसी के अंदर आने वाला है। उधर 47 जानबूझकर अपनी गन्स लेकर एम्बेसी के अंदर आ जाता है, इसीलिए वहाँ पर मौजूद गार्ड्स उसे हैंडकफ्स लगाकर अरेस्ट कर लेते हैं। अब 47 ने ऐसा इसीलिए किया होता है ताकि वो किसी भी तरह करके इस एम्बेसी में घुस सके। 47 को अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर मौजूद ऑफिसर उसे पूछताछ करने लगता है। अब क्योंकि 47 के हाथ बंधे हुए थे, इसीलिए सामने वाला ऑफिसर बड़ी ही बेफिक्री से 47 की गन को टेबल पर रख देता है। यहाँ मौका मिलते ही 47 बड़ी ही चालाकी से खुद को आजाद करवाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद 47 वहाँ पर मौजूद गार्ड्स को मार कर अपने सामने बैठे ऑफिसर को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से जॉन को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो टाइम वेस्ट किए बगैर कैटिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जॉन पुलिस की गाड़ी में बैठ कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उधर 47 को हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखते हैं। उधर गाड़ी में कैटिया के पूछने पर जॉन उसे बताता है कि जिस आदमी को तुम ढूंढ रही हो उसका नाम लिटवेंको है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर है। जॉन उसे बताता है कि काफी सालों पहले तुम्हारे फादर ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें उन्होंने ऐसे खतरनाक एजेंट्स या फिर कहेंगे किलर तैयार किए थे जिन्हें ना तो डर लगता है और ना ही कोई दर्द होता है। वो ये भी बताता है कि कुछ लोग फिर से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ तुम्हारे फादर ही हैं जो उन लोगों को रोक सकते हैं और वो लोग तुम्हारे जरिए तुम्हारे फादर तक पहुंचना चाहते हैं और यही वजह है कि वो आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उधर हम देखते हैं कि 47 अब तक बिल्डिंग के टेरिस पर पहुंच गया था और वो काफी दूर से इनकी गाड़ी पर शूट कर देता है और उस गोली की वजह से कैटिया इंजर्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम होटल रूम का सीन देखते हैं और जॉन की बातों से कैटिया को पता चलता है कि एजेंट्स की तरह कैटिया के फादर ने उस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और यही वजह है कि कैटिया के सेंसेस आम इंसानों की निस्बत काफी तेज है। उसे पहले ही आने वाले खतरों के बारे में पता चल जाता है। फिर कैटिया जॉन से अपने फादर के बारे में पूछने लगती है ताकि वो 47 से पहले अपने फादर तक पहुंच जाए। इसी दौरान कैटिया को पता चलता है कि उसके फादर को लंग कैंसर है। जॉन की बातें सुनने के बाद कैटिया अपने इकट्ठे किए गए डॉक्यूमेंट्स को देखने लगे और उसे अंदाजा हो जाता है कि इस टाइम उसके फादर कहां पर है। लेकिन इससे पहले कि जॉन उसे कुछ पूछ पाता 47 दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और जॉन को अपने सामने देखकर 47 उसे शूट करके मार देता है। फिर 47 कैटिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब कैटिया को होश आता है तो वो खुद को चेयर के साथ बंधा हुआ पाती है, जहां 47 उसे बताता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन वो लोग तुम्हें मार देंगे। इसके बाद 47 कैटिया को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है और 47 के हाथ मिलाते ही कैटिया को अपने बचपन के कुछ विजन्स आने लगते हैं। तब उसे पता चलता है कि 47 बचपन में उसके साथ ही रहता था और जब कैटिया के फादर पर अटैक हुआ तो 47 उन्हें सेफ जगह पर छोड़कर वहां से चला गया। उसी दौरान कैटिया की मदर भी गोली लगने की वजह से मर गई। आगे 47 की बातों से कैटिया को पता चलता है कि वो दोनों एक ही प्रोग्राम का हिस्सा है। ये सब कुछ बताने के बाद 47 वहां पर लगा जेट इंजन ऑन करके वहां से चला जाता है। इसीलिए अब कैटिया उस चेयर के साथ ही उस जेट की तरफ खींचने लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद कैटिया खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाती है। बाहर निकलने के बाद कैटिया को 47 की बातों से पता चलता है कि उसे भी 47 की तरह खतरों से बचने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसीलिए 47 ने जानबूझकर उसे खतरे में डाला था ताकि उसे अपने बचपन की ट्रेनिंग याद आ सके। अब कैटिया को भी समझ आ गई थी कि 47 ने उसे जो भी बताया है वो सब सच है। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तभी उस ऑर्गेनाइजेशन के भेजे हुए कुछ लोग इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर 47 बड़ी ही आसानी से कैटिया की हेल्प लेकर उन सबको मार डालता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ पर जॉन भी पहुँच जाता है और जॉन को जिंदा देखकर कैटिया काफी हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि कैटिया कुछ समझ पाती जॉन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि जॉन भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और उसने कैटिया को जो भी बताया था वो सब झूठ था। इसके बाद जॉन और 47 के बीच लड़ाई होने लगती है। तो इस लड़ाई के दौरान 47 को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने जॉन पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, इसीलिए उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो गई है, बिल्कुल बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह। और यही
यही वजह थी कि वो अब तक मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। यहाँ भी 47 कैटिया की मदद से जॉन को बेहोश करके वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद 47 कैटिया से उसके फादर की लोकेशन के बारे में पूछता है। तभी सुनकर कैटिया 47 को कहती है कि तुम मुझसे पहले वादा करो कि तुम मेरे फादर को नहीं मारोगे। तो यहाँ पर 47 उसकी बात मान लेता है। तब कैटिया कहती है कि इस वक्त मेरे फादर सिंगापुर में है। उधर हम जॉन को देखते हैं जो कैटिया के होटल रूम की तलाशी ले रहा था। वहाँ मौजूद डॉक्यूमेंट्स को देख कर जॉन को भी आइडिया हो जाता है कि लिटवैंग को इस टाइम सिंगापुर में हो सकता है। तो इसीलिए वो ये बात अपने हेड यानी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को बता देता है। नेक्स्ट सीन में हम 47 और कैटिया को सिंगापुर के एयरपोर्ट से निकलते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर 47 को पता था कि यहाँ पर लगे कैमराज की मदद से उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग इन्हें देख सकते हैं। इसीलिए 47 कैटिया को कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर लगे कैमरा से बचते हुए निकलना होगा। तब कैटिया बड़ी ही चालाकी से सब कैमरा से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है। लेकिन एयरपोर्ट के बाहर लगे हुए कैमरा में आने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को इनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब होटल में पहुँचने के बाद फिर से कैटिया 47 से सवाल जवाब करने लगती है। कैटिया उससे पूछती है, क्या तुम इंसान हो? क्योंकि मैंने सुना है कि एजेंट्स में कोई भी फीलिंग्स नहीं पाई जाती। लेकिन 47 के पास उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। 47 ये कहकर वहाँ से उठ जाता है कि अभी मुझे सोने के लिए जाना है। नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइजेशन के भेजे हुए लोग इन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ भी 47 कुछ ही देर में उन सबको मार डालता है। फिर 47 कैटिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है और लिफ्ट में जाते टाइम 47 चाकू के बदले में एक बच्चे से उसका इनहेलर ले लेता है, क्योंकि कैटिया ने उसे बताया होता है कि लिटवैंको को लंग कैंसर है। तो इसीलिए 47 को लगता है कि ये इनहेलर कभी भी उसके काम आ सकता है। इसके बाद वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर लिटवैंको रहता था। इस जगह पर चारों तरफ काफी सारे फ्लावर्स लगे हुए थे। अब लिटवैंको ने इस जगह को इसीलिए चूज किया ताकि उसे सांस लेने में आसानी हो। अपने फादर से मिलते ही कैटिया उनसे पूछती है कि आखिर आपने मुझे क्यों छोड़ा, मैं तो आपकी बेटी थी। तब लिटवैंको कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम बीमारी जाओ। अपने फादर की बातों से कैटिया को पता चलता है कि कैटिया की मदर कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उन्हें अपने लिए एक बच्चा चाहिए था, इसीलिए लिटवैंको ने कैटिया को बनाया। लिटवैंको ने जानबूझकर कैटिया को इस तरह से प्रोग्राम किया कि वो आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही जान सके, क्योंकि वो कैटिया को जिंदा रखना चाहता था। फिर कुछ ही देर के बाद 47 लिटवैंको के सामने आ जाता है। तब उसे देखते ही लिटवैंको समझ जाता है कि वो उसे यहाँ पर मारने आया है। लेकिन यहाँ पर कैटिया अपने फादर से कहती है, ये आपको नहीं मारेगा। लेकिन तभी कुछ लोग वहाँ पर आकर लिटवैंको पर अटैक कर देते हैं। इसीलिए अब ये लोग पार्किंग एरिया की तरफ भागने लगते हैं। तो पार्किंग एरिया से निकलते टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन के भेजे हुए कुछ लोग इन पर अटैक कर देते हैं और इन्हीं लोगों में जॉन भी शामिल था। यहाँ पर भी 47 कैटिया की पावर्स का यूज करके फिर से इन लोगों से बच जाता है। इसी दौरान लिटवैंको को भी पता चल जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन फिर से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करके और एजेंट्स बनाना चाहती है। यहाँ पर कैटिया उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मारने का सोचती है। तब ये सुनकर 47 उसे बताता है कि उस हेड को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम सिक्योरिटी के बीच में रहता है। अब तक बहुत सारे एजेंट्स उसे मारने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सारे नाकामयाब रहे और खुद ही मारे गए। पार्किंग एरिया से निकलने के बाद फिर से कुछ लोग उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। वो लोग चारों तरफ से इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। तो इसीलिए 47 गाड़ी से बाहर निकलकर उन पर फायरिंग करने लगता है। तब कैटिया भी उन पर फायरिंग करते हुए अपने फादर को वहाँ से लेकर निकल जाती है। लेकिन लिटवैंको की टांग में गोली लगने की वजह से वो यहाँ से नहीं भाग पाता, इसीलिए 47 कैटिया को लिटवैंको से दूर करने लगता है। इसी दौरान हम 47 को लिटवैंको के पॉकेट में वो इनहेलर डालते हुए देखते हैं जो उसने लिफ्ट में एक बच्चे से लिया था नाइफ के बदले। 47 और कैटिया के वहाँ से निकलने के बाद जॉन लिटवैंको को पकड़कर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले जाता है। लेकिन कैटिया अभी भी अपने फादर के पास जाने की जिद करती है, इसीलिए 47 उसे बेहोश कर देता है। अपनी लोकेशन पर ले जाने के बाद जॉन लिटवैंको से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने की प्रोसीजर के बारे में पूछता है, लेकिन काफी टॉर्चर करने के बावजूद भी लिटवैंको उसे कुछ भी नहीं बताता। इसी दौरान हम 47 को ही पास की बिल्डिंग से ही उन दोनों की बातें सुनते हुए देखते हैं। असल में 47 ने उस इनहेलर में ट्रैकर लगा दिया था और उस ट्रैकर की मदद से उसने लिटवैंको की लोकेशन ट्रेस कर ली। फिर कुछ देर के बाद जॉन का हेड लिटवैंको से पूछताछ करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। यहाँ वो हेड लिटवैंको को उसकी बेटी की जान की धमकी देकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे 47 की आवाज सुनाई देती है। अब तक 47 ने भी वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। तभी उन्हें अपनी बिल्डिंग के पास एक चॉपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी ये बात पता नहीं थी कि लिटवैंको की बेटी कैटिया भी प्रोग्राम की गई थी, जो कि अब तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन है।
लेकिन अब 47 उन्हें ये बात बता देता है। वो ये भी बताता है कि एजेंट्स बनने का सीक्रेट उसके डीएनए में छुपा हुआ है। तो 47 उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें कैटिया को दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे लिटवेंको को देना पड़ेगा। अब 47 ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए लिटवेंको की जरूरत थी। अब तक कैटिया भी होश में आ चुकी थी, जिसे 47 ने बेहोश कर दिया था। तो 47 की बातें सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है, लेकिन जैसे ही कैटिया बिल्डिंग में मौजूद अपने फादर को देखती है तो वो चॉपर को बिल्डिंग के अंदर घुसा देती है। अभी तक उस हेड को भी यही लग रहा था कि 47 भी कैटिया के साथ उस चॉपर में ही मौजूद था, लेकिन उस चॉपर में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। चॉपर से निकलने के बाद कैटिया वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को मारना शुरू कर देती है। यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए जॉन और कुछ गार्ड्स अपने हेड को सिक्योरिटी रूम में ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक 47 इमरजेंसी सर्विस के एम्प्लॉयज में मिलकर सेफ्टी रूम में पहुंच गया था। उस हेड को अपने सामने देखते ही 47 उस पर शूट कर देता है, लेकिन जॉन अपना हाथ आगे करके उस गोली को रोक देता है और उस हेड को बचा लेता है। जॉन उस हेड को गार्ड्स के साथ भेजकर 47 पर अटैक कर देता है। काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी 47 के हमलों का जॉन पर जरा भी असर नहीं होता, इसीलिए जॉन 47 पर भारी पड़ रहा था और 47 जॉन के सामने कमजोर। तभी 47 को दीवार में लगे इलेक्ट्रिक वायर्स नजर आते हैं और वो बड़ी ही चालाकी से जॉन को शॉक लगाकर मार डालता है। उधर कैटिया भी अपने फादर को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच गई थी, क्योंकि वो हेड लिटवेंको को चॉपर में लेकर यहाँ से निकलने वाला था। इसीलिए अब ये दोनों इन्हीं कैटिया और 47 भी टेरेस की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ये दोनों वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं, लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी ये उस हेड को नहीं रोक पाते क्योंकि वो हेड लिटवेंको को यहाँ से लेकर निकल चुका था। इसी दौरान जब एक गार्ड कैटिया की तरफ शूट करता है तो 47 सामने आकर उस हमले को खुद पर ले लेता है। फिर उस गार्ड को मारने के बाद 47 भी उस चॉपर की तरफ देखने लगता है। उधर चॉपर में बैठा लिटवेंको अपने हाथ में मौजूद उस इनहेलर को देखने लगता है। वो जानता था कि 47 ने किसी वजह से ही उसे ये इनहेलर दिया था। वो ये भी जानता था कि अगर ये हेड बच गया तो वो दोबारा से कैटिया को ढूंढने की कोशिश करेगा, इसीलिए लिटवेंको उस इनहेलर को प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से एक काफी बड़े ब्लास्ट के साथ वो पूरा चॉपर तबाह हो जाता है। और तभी 47 के पास उसकी बॉस की कॉल आती है। तो 47 अपने बॉस को बताता है कि लिटवेंको मारा गया है। तब इसके बाद 47 की बॉस उसके दूसरे टारगेट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन 47 उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपना मोबाइल बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। तो यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि 47 के दूसरे टारगेट कोई और नहीं बल्कि कैटिया थी, लेकिन 47 ने उसे मारने का डिसीजन बदल दिया था। यहाँ पर कैटिया को भी समझ आ जाती है कि 47 ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए उसे यूज किया। तो 47 उसे बताता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था। इसके बाद ये दोनों लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर 47 कैटिया को बताता है कि ये पूरी बिल्डिंग ही हाईली ट्रेंड सोल्जर से भरी हुई है, जिस पर कैटिया उसे कहती है कि नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है। और तभी सामने के लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तभी ये दोनों अपने सामने 47 जैसे दिखने वाले एक और एजेंट को पाते हैं, जिसके बार कोड से हमें पता चलता है कि इस एजेंट का नंबर है 48। 48 को देखते ही ये दोनों उसे शूट कर देते हैं और उनके शूट करने के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।